नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भाटपारानी। दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जल्द ही भारतीय रेल दौड़ने को बेकरार है। बता दें कि मणिपुर के जिरीबाम रेलवे स्टेशन से मणिपुर की राजधानी इम्फाल जल्द ही रेलवे लाइन से जुड़ने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन वाली घंटी को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वर्ष 2008 में यानी यूपीए 1 सरकार में राष्ट्रीय परियोजना के तहत जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन को बनाने की घोषणा हुई। हालांकि जंगलों, पहाड़ों, नदियों से भरे इस इलाके में रेल लाइन बिछाना बहुत बड़ी चुनौती थी। 111 किलोमीटर के आसपास लंबे इस रेल मार्ग के बीच 11 नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण हो चुका है। इस बीच 129 छोटे बड़े पुलों के साथ साथ 52 सुरंगों का निर्माण भी हुआ है। दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 14,322 करोड़ भारतीय रुपए की स्वीकृति हुई थी। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2022 था, परंतु कोरोना, वैश्विक महामारी तथा मणिपुर में बराक नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज का निर्माण अपने अंतिम चरण में है, जिसके चलते परियोजना में कुछ देरी हुई है। दोस्तों, 141 मीटर ऊंचे इस पुल का निर्माण कार्य 90% के आसपास पूरा हो चुका है। शेष बचे कार्य को भी तेजी से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रेल लाइन बिछाने तथा गर्डर लगाने का काम चल रहा है। पुल के कंप्लीट होते ही यह महत्वाकांक्षी रेल मार्ग परियोजना संपन्न हो जाएगी, जिसके चलते पूर्वोत्तर का यह राज्य भी भारतीय रेलवे द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों तथा उनके महानगरों से सीधा जुड़ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस रेल लाइन के बनने के बाद 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेनें यहाँ फर्राटा मारती हुई इम्फाल तक जाया करेंगी। दोस्तों, आपको ये परियोजना कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगली जानकारी अगले वीडियो में, किसी और परियोजना तथा जानकारियों को जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका हर कमेंट हमें महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।